ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, राइट? प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों देखें। उसका रोल ये है कि हम लोग इस पूरे टॉपिक के अंदर कहीं पे भी वेल्डिंग को जब डिफाइन कर रहे होंगे तो वेल्डिंग सिंबल्स के थ्रू डिफाइन कर रहे होंगे। तो आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्डिंग के बारे में टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी, आपको डायग्राम के अंदर वेल्डिंग के सिंबल्स के थ्रू दे आर गोइंग टू टेल यू कि व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड, व्हाट साइज ऑफ वेल्ड इज देयर, और उससे हम लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी। तो जो पहला टॉपिक मैंने आप लोगों से शेयर किया था, पहला सब टॉपिक, दैट वॉज रिलेटेड टू इंटरप्रेटिंग एंड राइटिंग वेल्डिंग सिंबल्स। ठीक है, तो इसको प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि देख लीजिए। उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू टुडे इज वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग विद स्ट्रेसेस इन वेल्ड्स। ठीक, और ये टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्ली अगले लेक्चर में भी चलेगा। एंड देन वी फाइनली नीड टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डमेंट्स मींस द वेल्डेड जॉइंट्स। ठीक है, तो इनके स्ट्रेंथ की बात करनी है। तो दिस इज नॉट अ वेरी ह्यूज टॉपिक, स्ट्रेसेस वाला टॉपिक इटसेल्फ भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, तो वी विल बी इंशाल्लाह एबल टू फिनिश दिस थिंग इन द नेक्स्ट वीक। ठीक, तो आगे चलते हैं। बुक के अंदर वी आर ओनली वर्किंग विद द फाइव सब टॉपिक्स। शायद बेटा कुछ कह रहे हो, हैंड रेज किया शाई का। सर मैं वो क्विज का पूछ रहा था, क्विज के रिजल्ट कब आएगा? हाँ बेटा, क्विज का रिजल्ट मैंने चेक करना शुरू भी कर दिया था, बट कुछ डिपार्टमेंट का काम आ गया था, इस वजह से मैं बीच में रोक गया। कुछ लोगों ने शायद देखा हो, एक आधा क्वेश्चन उनका चेक टैगर देखा भी हो तो, लेकिन वो अभी जाहिर है टेम्परेरी है, उसको ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। इस वीक में इंशाल्लाह मैं चेक कर दूंगा, मोस्ट लाइकली आज तो नहीं, कल या परसों तक मैं चेक कर दूंगा एंड यू विल हैव योर रिजल्ट। ठीक है, ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, तो वेल्डिंग जॉइंट्स हमने बेसिकली पिछले लेक्चर में देखे थे क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। वेल्डिंग जॉइंट्स और वेल्ड्स को हमने डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, तो वी सेड कि दिस इज वेल्डिंग जॉइंट्स, द टाइप ऑफ द वेल्ड्स इज सेपरेट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखें तो आप यहाँ पे भी फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे भी फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं, बट दिस इज अ लैप जॉइंट, दिस इज अ टी जॉइंट। ठीक है, दिस इज ग्रूव वेल्डिंग, दिस इज ग्रूव वेल्डिंग, इसके अंदर एक तरफ ग्रूव वेल्डिंग हुई है, एक तरफ फिलेट वेल्डिंग हुई है। ठीक है, तो वेल्डिंग जॉइंट मींस कि किस तरह पार्ट आपस में ज्योमेट्रिकली मेट हो रहे हैं, और वेल्ड इज द टाइप ऑफ द वेल्ड इटसेल्फ। सही, तो ये दोनों चीजों को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी कि वेल्डिंग सिंबल्स मींस कि वो पूरी जो वेल्डिंग की पूरी स्कीम है, इंक्लूडिंग किस तरीके से हो रही है, किस स्टेप से वेल्डिंग हो रही है, किस साइज की वेल्डिंग हो रही है। ठीक है, everything is defined in the welding symbol, but the weld symbol is just a part of that process. So for example, iske andar this is a welding symbol and this triangle is the weld symbol. Ye triangle show karta hai fillet weld. So please go ahead and see this lecture. Interesting lecture hai aur bahut important lecture hai, baad mein bhi aapke kaam aayega, because engineering drawing ke upar you can actually define everything about the weld in a simple सिंपल, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से यू कैन डिफाइन दिस। तो उसके हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी थी एंड देन यू नीड टू गो थ्रू दिस। ठीक, राइट, आज हमने क्या करना है, वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेसेस इन वेल्डिंग जॉइंट्स, और इसमें कुछ इनिशियल पार्ट। जी सर, एक सवाल है। जी जी, ये जो जे ग्रुप और यू ग्रुप है, जी जी, ये वाला आगे करें। हां हां, हमने जो आपने जैसे बताया था कि टुवर्ड्स एरो का बेटा, आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा जोर से बोलेंगे? ये जो आपने यू ग्रुप और जे ग्रुप का बताया था, हाँ हाँ, उसमें आपने बताया था कि टुवर्ड्स एरो वेल्ड होगा, मतलब टुवर्ड्स एरो का सिंबल बनाया था, उसके वेल्ड का दिखाया था। अगर अदर साइड ऑफ एरो होगा तो कैसे वो वेल्ड होगा? बेटा देखें, ये तो सिंपल सी चीज ये है कि आपके पास अगर दो फॉर एग्जांपल प्लेट्स हैं, किसी भी किस्म की अगर आपने वेल्डिंग करनी है ना, उसको यू कैन
मैं यहाँ पे मैं ज्योमेट्री में इसको इस तरीके से शो कर रहा हूँ, ठीक है, एरो से. अगर मुझे जो मैंने एरो यहीं पे पॉइंट किया, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास हो सकता है यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री थी, स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसमें मेरे पास जगह जो थी ना वेल्डिंग सिंबल लिखने की, वो मेरे पास जगह ऊपर की तरफ ही थी, तो मैंने वहां पे वेल्डिंग सिंबल बना दिया. अब हो सकता है मुझे वेल्डिंग यहाँ पे करनी हो, ठीक है, हो सकता है मुझे यहाँ पे वेल्डिंग करनी हो, ठीक. तो अगर मुझे वेल्डिंग सेम साइड पे करनी होती है ना, सेम साइड मीन्स साइड ऑफ द एरो, तब मैं एरो की तरफ सिंबल बनाता हूँ. तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं वी ग्रूव वेल्डिंग करना चाह रहा हूँ ऑन द साइड ऑफ द एरो, बट क्योंकि मैं दूसरी तरफ करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको शो करता हूँ एरो के दूसरी तरफ. इसका मतलब ये होता है कि आपकी डायग्राम के अंदर एरो जिस भी तरफ बना हुआ है, एक्चुअली पार्ट्स की वेल्डिंग दूसरी तरफ से होगी. अगर हम ये काम दोनों तरफ से करना चाह रहे हैं तो हम दोनों तरफ बना देते हैं. इसका मतलब ये होता है कि आपने दूसरी तरफ से भी वेल्डिंग कर ली और फिर आप इस तरफ से भी वेल्डिंग कर ली, दोनों तरफ से वेल्डिंग की. तो एरो के रेफरेंस से जो आप वेल्ड सिंबल बनाते हैं, दीज आर द वेल्ड सिंबल्स, ये सिर्फ यू ग्रूव जे ग्रूव के लिए वैलिड नहीं है, हर चीज के लिए वैलिड है कि ये एरो की तरफ बन रहे हैं कि अलग तरफ दूसरी तरफ बन रहे हैं. और ये डिपेंड करता है कि आपके जो भी ज्योमेट्री है उसमें वेल्डिंग किस तरफ हो रही है. तो हमने इसकी एग्जाम्पल ये देखी थी ना, दो केसेस हैं, दोनों के अंदर आप फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं, बट एक में आप फिलेट वेल्डिंग एरो की साइड पे कर रहे हैं इन द ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री के अंदर आपके पास एरो पॉइंटेड है इस ज्योमेट्री के राइट साइड पे. तो अगर मैं एरो की तरफ करूंगा, तो अगर एरो की तरफ मैंने सिंबल ड्रॉ किया, उसका मतलब है मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ. अगर ऑपोजिट साइड पे कर दूंगा तो मैं लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ. अगर मैं दोनों तरफ कर दूंगा तो मैं दोनों तरफ कर, ठीक है, ये मतलब होता है. और एक सिंबल और होता है और उसको हम वेल्ड ऑल अराउंड का सिंबल कहते हैं. ये वेल्ड ऑल अराउंड का सिंबल ये होता है कि कोई भी अगर आपके पास पार्ट है जो कि जी कुछ कह रहे हो बेटा, अगर कोई भी पार्ट है जो दो पार्ट्स मेट हो रहे हैं उनका कोई एज बन रहा होगा कॉन्टेक्ट का, अगर उस पूरे को मैंने वेल्ड करना है तो मैं ये वेल्ड ऑल अराउंड का सिंबल बना दूं. उसका मतलब ये है कि आप पूरे में कर दें, ठीक है, चारों तरफ का. तो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है सर, थैंक यू. आइए, अच्छा सर जी, सर ये जो लार्जेस्ट ट्रायंगल वाला कांसेप्ट है ना, ये समझा सकते हैं? हाँ, देखो इसमें 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 ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है बेटा कि आपके पास ना जब दो दो बातें हो रही हैं, इस पे उसी पे आ जाते हैं. एक बात ये लिखी हुई है कि आपके पास जब भी आप वेल्डिंग करेंगे ना, हम वेल्डिंग जाहिर है जब परफॉर्म कर रहे हैं तो वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है किसी, जैसे स्ट्रक्चर होगा ना आपका, स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा आपका, स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू बी लाइक 2D, स्ट्रक्चर 3D होगा. तो आप वेल्डिंग उसमें परफॉर्म कर रहे होगे, वेल्डिंग आपकी परफॉर्म हो रही होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. तो कहीं पे वेल्डिंग छोटी हो जाएगी, कहीं पे ये बड़ी हो जाएगी. तो सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि इसके अंदर अगर मैं वेल्ड का साइज निकालना चाह रहा हूँ तो पूरी वेल्डिंग जो है वो लोड बेयर कर रही होगी ना, तो हमें सबसे जो छोटा फिलेट फॉर्म हो रहा है उसको देखना पड़ता है, सही. उसकी वजह ये, जितना छोटा होगा उतने ज्यादा उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन कम होगा. आपने पहले इस लेंथ के क्रॉस सबसे छोटा वाला फिलेट का एरिया उठाया, उसके अंदर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि आप उसके अंदर अगर H2H ट्राइंगल फॉर्म करें ना, क्योंकि देखिए वेल्डिंग कभी भी एक्चुअल ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती, सही. तो इस ज्योमेट्री के अंदर जो भी मेरे पास पार्ट्स के रिस्पेक्ट से, मेरे पास दो पार्ट्स है, ठीक है, इस तरीके से, और ये मेरे पास वेल्डिंग आ गई, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की, लेट्स से वेल्डिंग आ गई, इट इज नॉट एट 45 degrees. तो इन दिस केस अगर मैं लार्जेस्ट ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा, मेरे पास जो लार्जेस्ट ट्राइंगल बनेगा इट इज गोइंग टू बी हेयर समवेयर, ठीक है. दिस इज बेसिकली, इसके जो एजेस होते हैं, दीज एजेस आर गोइंग टू बी द साइज ऑफ द वेल्ड. जो साइज ऑफ द वेल्ड होता है ना फिलेट के केस में, वो हम एज से डिफाइन कर रहे हो, सही सही है. तो ये वाली चीज थी बेसिकली. राइट, इसमें कोई मसला तो नहीं है. मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी आप कर सकते हैं, देयर आर टू वेज टू डू इट.
आइदर आप सिंबल्स को इस तरह स्टैक कर देते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप दो डिफरेंट लाइनें बना सकते हैं. तो द फर्स्ट ऑपरेशन कम्स हियर एंड द सेकंड ऑपरेशन कम्स हियर. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि पहले आप जरा ग्रूव वेल्डिंग कर दें. ठीक है, पहले हम ग्रूव वेल्डिंग करना चाह रहे हैं दोनों साइड पे, तो दिस इज बोथ साइड्स, सॉरी बेवल वेल्डिंग हुई भी है. ठीक है, बेवल वेल्डिंग हुई है, बेवल ग्रूव वेल्डिंग हुई भी है, वी ग्रूव भी है. ठीक है, तो बेवल ग्रूव वेल्डिंग के लिए हम सबसे पहले कह रहे हैं हमारे पास दो पार्ट्स हैं. ग्रूव वेल्डिंग के जो सिंबल्स होते हैं ना, ये प्रिपरेशन को शो कर रहे होते हैं कि आपने पार्ट को प्रिपेयर कैसे किया हुआ है. तो दिस मीन्स कि आपने अपने पार्ट को प्रिपेयर करना है फॉर अ बेवल वेल्डिंग. तो एक तरफ की अगर मुझे बेवल वेल्डिंग करनी होगी, मैं पार्ट को ऐसे प्रिपेयर करूँ, लेकिन क्योंकि मुझे दोनों तरफ बेवल वेल्डिंग करनी है, तो मैं अपने पार्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करूँ. सही है, इसमें मैंने बेवल वेल्डिंग कर दी, जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन, तो ये मैंने पूरा पार्ट वेल्ड कर दिया. उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो यहाँ पे हो रहा है, दैट इज माय फर्स्ट ऑपरेशन इज बेवल ग्रूव वेल्डिंग, सेकंड ऑपरेशन इज माय फिलेट वेल्डिंग. तो जो भी चीज हुई है उसको फिर मैंने फिलेट वेल्ड भी किया. फिलेट वेल्ड इज द सेम ट्राइंगल वेल्डिंग जो होती है ना, तो वो आपने ट्राइंगल वेल्डिंग है. जी शाइक, आवाज नहीं आई आपकी, तो कुछ क्वेश्चन. सर मैं ये कह रहा था सर, ये दोनों वेल्डिंग सर्कुलर नहीं होंगी? सर्कुलर नहीं है ना बेटा, प्लेट्स है ना ये, ये प्लेट्स हैं. ठीक है, तो दे इन थ्री डायमेंशंस दे आर लाइक दिस. ठीक है सर, सॉरी. ठीक है ना, सही हो गया. ठीक है, चलें आगे चलते हैं. स्ट्रेसेस की जो हमने बात करनी है ना आज, स्ट्रेसेस में वी आर एक्चुअली गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट अ सिंपल लैप जॉइंट. लैप जॉइंट ये होता है कि दो आपके पास पार्ट्स हैं जो कि इस तरीके से रखे हुए. ठीक है, और इनमें आपने वेल्डिंग परफॉर्म करनी है, तो दिस इज नोन एज अ बट जॉइंट. ठीक है, बट जॉइंट ये होता है, लैप जॉइंट ये होता है कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रखें. तो सेकेंड केस जो हम देखेंगे वो ये वाला भी देखें. ठीक है, जो ये वाला केस है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल केस, बिकॉज आपके पास दो पार्ट्स हैं. अगर इफ दिस थिंग इज इन टेंशन, ये वेल्डेड एक पार्ट जॉइंट बन गया, अगर ये चीज टेंशन के अंदर है, तो वेल्डिंग के ऊपर भी सेम फोर्स अप्लाई हो रही होगी. जो वेल्ड है ना आपके, इसके ऊपर भी सेम फोर्स अप्लाई हो रही होगी. तो हम लोगों को जो भी, अगर इस वेल्ड के अंदर हमें स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो हमें फोर्स तो पता है, बिकॉज द सेम फोर्स इज गोइंग टू अप्लाई एवरीवेयर. अगर आपके पास, अगर हम इसको सिंपल सा केस ये देख लें कि अगर आपके पास कोई भी बार हो और इस पे लोड लग रहा हो, और हम इस बार को किसी भी पॉइंट से क्रॉस सेक्शन करें, तो इन दोनों क्रॉस सेक्शन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होती है, इट इज द सेम फोर्स एज द ओरिजिनल फोर्स. तो यहाँ पे भी सेम फोर्स ही अप्लाई हो रही है. तो अगर मैं इस वेल्ड पे कोई क्रॉस सेक्शन बना के देखूंगा, इफ आई लुक एट अ क्रॉस सेक्शन हियर, इट इज गोइंग टू बेयर द सेम फोर्स एफ. ठीक, तो लोड तो मेरे पता है फोर्स एफ. मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए वी नीड टू नो द थ्रोट एच. आप वेल्डिंग में जो है ना, निकालने के लिए जो क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, ये चीज हम देखेंगे हर केस के लिए, कि हम स्मॉलेस्ट उसका जो डिस्टेंस बन रहा होता है ना वेल्ड के अक्रॉस, वो निकाल रहे होते हैं. तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिलेट वेल्ड करूंगा, फिलेट वेल्ड के लिए सिंपल है, तो फिलेट वेल्ड के केस में जो क्रॉस, जो आपके पास थ्रोट बनेगा ना, तो थ्रोट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. तो इसका 90 डिग्री पे जो साइड बनी, दिस इज गोइंग टू बी द थ्रोट. हम फिलेट वेल्ड के लिए साइज डिफाइन करते हैं इस तरह. तो हम जो फॉर एग्जांपल जब एरो बना रहे थे, तो हम यहाँ पे 5 ट्राइंगल लिख रहे थे. इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल्स टू 5. बट जो स्मॉलेस्ट आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3D में इस तरीके से चल रहा है, तो हम इसका थ्रोट की लेंथ निकालनी पड़ती है, जो ये वाली साइड है, दिस इज द थ्रोट, और इसका जो क्रॉस सेक्शन बन रहा होता है ना, देन दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन दैट वी हैव. तो हम इसके ऊपर सारे स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं. अब इन अ बट जॉइंट और यानी कि इन अ ग्रूव वेल्ड, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. तो ग्रूव वेल्ड के केस में जो आपके पास स्मॉलेस्ट साइड बन रही है, इट इज
जस्ट दिस वर्टिकल लाइन हियर, सही, जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया वैलिड है, दिस इज जस्ट दिस एरिया हियर, इस एरिया के ऊपर आपके पास फोर्स का लोड बेयर हो रहा है, ठीक। अब हम लोग यूजुअली जो रीइंफोर्समेंट होती है, रीइंफोर्समेंट का हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं इस पार्ट को, जो पार्ट आपके ऊपर की तरफ निकला हुआ है ना, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट होती है, वी यूजुअली डू नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट, बिकॉज इसकी मेजरमेंट आसान नहीं होती, ठीक है। यू कांट एक्चुअली मेजर दिस थिंग वेरी वेरी इजीली। आपको पास थिकनेसेस अवेलेबल है प्लेट्स की, आप ये एच निकाल सकते हैं, बट आप ये एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट नहीं निकाल सकते, तो वी यूजुअली इग्नोर दिस एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, एरिया निकालने में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑल्दो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, बिकॉज यहाँ पे जाहिर है कि हाइट बढ़ गई, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेसेस में कमी आएगी, बट दिस एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करूँ ना, तो क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, ज्योमेट्री चेंज हो रही है। अब ये ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी प्रोड्यूस हो, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक। तो वो दो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, एक तरफ इसका एच इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेसेस थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं, बट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आ रही है जिसकी वजह से स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं। तो वॉट इज प्रेफर्ड इज कि हम यूजली एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट को ग्राइंड कर देते हैं, वी डोंट कीप दिस एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट, हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे ये फ्लश हो जाए, बिल्कुल फ्लैट हो जाए ये वाला पूरा एरिया ना, तो वी वांट दिस एरिया टू बी फ्लैट, वी वांट टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर से जो आ रहा है, ठीक है, राइट। तो जो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर सिंपली एफ अपॉन ए एंड ए बिकम्स एच एल। एल जो है आपके पास वो लेंथ ऑफ द वेल्डिंग, ये कितनी लंबी आपने वेल्डिंग परफॉर्म की हुई पार्ट के बीच में, दैट इज एल। तो HL becomes your area। Same काम हम shear में भी कर सकते हैं। Shear के केस में क्या होगा? Shear के केस में we have the forces we have are going to be in a different plane। Shear के केस में आपके पास forces इस तरीके से act कर रहे हैं, सही? तो ये वाला केस हमारी अगली स्लाइड में वैलिड है। तो ये हमारा केस प्रेजेंट हो गया shear वाला। अब इट इज अगेन द सेम एरिया जो कि लोड बेयर कर रहा है, तो जो एरिया लोड बेयर कर रहा है इट इज अगेन गोइंग टू बी द सेम एरिया, ठीक है, बट अब उस पर आप शेयर फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्सेज अप्लाई नहीं कर रहे। तो द फॉर्मूला इज स्टिल एफ अपॉन ए, ठीक है, बट द शेयर स्ट्रेसेज आर नाउ कमिंग अप। तो अब हमारे पास बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हम शेयर स्ट्रेसेज भी निकाल सकते हैं। तो जो सिंपल बट जॉइंट होता है जिसके अंदर आप ग्रूव वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पास टेंसाइल और शेयर स्ट्रेसेस निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, यू कैन फाइंड इट आउट। आपको वेल्ड के केस, जो भी टाइप की वेल्ड है, उस केस में ये देखना पड़ेगा कि उसका थ्रोट क्या होता है, तो यू विल नीड टू फाइंड द थ्रोट लेंथ, और थ्रोट लेंथ निकल जाती है, उसके हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द एरिया ए, and we will know the force, uski help se we can find out either the shear stress or the tensile stress, theek hai। to ye to this was the easy part, bilkul agar aapke paas simple do parts hain jo ki side by side rakhe hue hain, unme aapne group welding kar di hai, we can simply find out what is the shear stress tau and what is the tensile stress sigma। situation thodi si mushkil hona shuru hoti hai jab hamare paas डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाली वेल्डिंग क्या है कि हमारे पास एक प्लेट इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, एक और प्लेट रखी हुई है आपके पास, और यहाँ पे आपने तीसरी प्लेट रखी हुई है, ठीक है। अब इन इन तीनों प्लेट्स को मैंने करना है वेल्ड, ठीक है। तो इस केस में जो मेरे पास वेल्डिंग की टाइप आ रही है, दैट वेल्डिंग टाइप इज फिलेट वेल्ड। मैं यहां पे भी फिलेट वेल्डिंग कर रहा हूं और मैं यहां पे भी फिलेट वेल्डिंग कर रहा हूं, तो वी आर ट्राइंग टू होल्ड थ्री शीट्स टुगेदर, सही। अब फोर्सेस इसमें अप्लाई स्टिल हो रही है एफ, सही है। अब
what we want to do is we want to calculate ke iske andar stresses kitne produce ho rahe hain, kis type ke stresses produce ho rahe hain. Ab if you think about this, is ye jo force F hai, ye aapki welding ke andar tensile behavior bhi produce kar rahi hai, but shear behavior bhi produce karegi. Because aapke paas jo bhi welding hai, usme idhar force apply ho rahi hai aur idhar bhi force apply ho rahi hai. To agar main ye kahun ke ek side do welding hai, theek hai, दो वेल्ड्स है हमारे पास, दोनों तरफ फिलेट वेल्ड है, तो ये 2F दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट वी हैव इज वी हैव F एंड वी हैव F हियर. राइट, तो ये जो भी आपके पास वेल्ड है, ये इन टेंशन भी आएगा और ये इन शियर भी आएगा. तो हमारे पास अब शियर के कंपोनेंट्स भी निकलेंगे स्ट्रेस के और टेंशन के कॉम्पोनेंट भी निकलेंगे यूजिंग द सेम फोर्स एफ. तो थोड़ी सी हमारे पास स्ट्रेस की जो भी कंडीशन है, दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. अब इस केस में थ्रोट एरिया क्या होता है? थ्रोट एरिया आपके पास जो भी वेल्डिंग का ट्राइंगल, लार्जेस्ट ट्राइंगल बन रहा होता है, इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना वेल्ड के अक्रॉस, दैट इज जो थ्रोट एरिया. सो हम यूजली टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इस केस में एच बिकम्स योर एज ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो इस केस में जो थ्रोट है, That becomes the edge. तो अगर मैं इसी चीज को इस तरह से ड्रॉ करूं कि ये मेरे पास प्लेट्स है मेरी, ठीक है, तो these are my plates. ठीक, तो हमारे पास कौन सा एरिया जो है हमारे पास इसके across loads bear करेगा? It is going to be the throat area, which is like, जब ये बहुत ही मैंने गलत ट्रायंगल पे ड्रॉ नहीं हो रहा था मुझसे, तो it is not straight, but you get the idea, right? कि हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया है डायगोनल पाई कांट ड्रॉ इट, क्योंकि मुझे हो नहीं पा रहा है इसमें. ठीक है, खैर एनीवेज, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रोट एरिया. थ्रोट एरिया में कौन कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी? आपके पास थ्रोट की लेंथ इंपॉर्टेंट होगी और आपके पास जो लेंथ ऑफ द वेल्ड इटसेल्फ है, तो टोटल वेल्डिंग होगी उसकी जो लेंथ है वो इंपॉर्टेंट है और टी इंपॉर्टेंट है. तो टी टाइम्स एल विल बिकम योर एरिया. अब हम कर क्या सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर इस वेल्ड के अक्रॉस कोई भी मैं प्लेन कट करूं ना, मैं सिर्फ ये वेल्डिंग मैंने उठाई, ये वाला ट्राइंगल उठाया, उसको मैंने किसी भी रेंडम एंगल पे कट कर दिया, ठीक है, तो ये फोर्स जो है, जो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही होगी, जाहिर है करेगी ना रिएक्शन प्रोड्यूस. अगर रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगी. तो देयर इज गोइंग टू बी रिएक्शन ऑन द वेल्डिंग जो कि इस लोड को बैलेंस कर रही होगी, जिसको हमने पहले यहाँ पे भी शो किया था एफ के साथ. दिस फोर्स जो यहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है इज गोइंग टू हैव कॉम्पोनेंट्स पैरेलल टू द कट एंड परपेंडिकुलर टू द कट. तो ये कट किसी भी एंगल पे हो सकता है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये किसी एंगल भी हो सकता है. हमारे लिए कौन सा कट इंपॉर्टेंट होगा? हमारे लिए कट इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हमारे पास थ्रोट की लेंथ आ रही है, ठीक है, दैट विल बी अवर इंपॉर्टेंट कट. सही है, वो हम बाद में आते हैं उस चीज को. तो आपने एक वेल्ड, एक साइड का वेल्ड उठा लिया, उसके उसको हमने एक किसी भी एंगल पे कट करके देखा है कि जो फोर्स है उसके क्या रिएक्शंस बन रहे हैं ऑन द सरफेस. दो रिएक्शंस के कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग द सरफेस होगा, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. ठीक है, तो वी नाउ नीड टू सी कि हाउ वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन एफएस एफएन एफएस और एफएन जो है टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस. अब जाहिर है यू कैन सी कि दिस कंपोनेंट एफएन इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस और ये वाली फोर्स जो है शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगी बिकॉज़ ये अलोंग द सरफेस आ रही है. ठीक है, तो हमारा पहला काम तो ये होगा कि हम एफ एस और एफ एन निकालें. सही, दूसरी हमारी चीज ये होगी कि हम ये टी को भी कैलकुलेट करके देखें कि जो भी करंट कट, जो भी एंगल थीटा के ऊपर कट हो रहा है उसमें ये लेंथ टी क्या है. ठीक, अगर मुझे टी पता चल जाएगा तो टी मल्टीप्लाइड बाय एल करके आई कैन फाइंड आउट माई एरिया एंड देन आई कैन डिवाइड एफ एस एंड एफ एन विद द एरिया टू कैलकुलेट द शियर एंड द नॉर्मल stresses. So that is the approach that we want to adopt. अब हमारे पास एक force है, ठीक है, अब इस force के अंदर हम reaction force, जो हमारे पास यहाँ पे एक reaction force आ रही है, उस reaction force के हम components निकालना चाह रहे हैं Fn और Fs. ठीक है, तो
एक सिंपल सी चीज यहाँ पे अप्लाई हुई भी है, वो ये भी है कि दो लाइंस हैं, तो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस लाइन वन एंड टू, अगर इनके बीच में एक एंगल थीटा है, ठीक है, इन दोनों लाइनों के जो परपेंडिकुलर्स होंगे ना, सॉरी आई शुड शो इट दिस वे, अगर मेरे पास ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों लाइनों के जो परपेंडिकुलर्स होंगे, तो लेट्स से दिस इज 2.1 एंड दिस इज 1.1, ठीक है, तो 0.1 करके जो है उसका परपेंडिकुलर, 1 का परपेंडिकुलर 1.1 या 2 का परपेंडिकुलर 2.5, इनके बीच में भी एंगल जो है वो थीटा ही होगा, सही। तो अगर वर्टिकल लाइन के बीच में और एफ एस के बीच में, तो अगर ये एंगल थीटा है जो कि ये वाला एंगल है, तो फोर्स के बीच में और एफ एन के बीच में, यानी हॉरिजॉन्टल और एफ एन के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, तो वो एंगल हमने यहाँ पे थीटा ड्रॉ किया है, सही। इस चीज में कोई मसला हो तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क, सही है। अगर मुझे ये थीटा एंगल पता चल गया, देन आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी एफ एन एंड व्हाट इज गोइंग टू बी एफ एस, तो एंगल के साथ वाली साइड बिकम्स कॉस एंड एंगल के सामने वाली साइड बिकम्स साइन, तो एफ एन बिकम्स एफ कॉस थीटा एंड एफ एस बिकम्स एफ साइन थीटा। तो मेरे पास अगर मुझे फोर्स पता है और मैं किसी भी एंगल पे अपना वेल्ड को कट कर रहा हूँ, तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी एफ एस एंड व्हाट इज गोइंग टू बी एफ एन। अब एक चीज बाकी रह गई है, वो ये टी निकालना बाकी रह गया। तो टी निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंसिडरिंग दिस थिंग हियर। तो इसको देखिए, इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम अगर ये टी निकालना चाह रहे हैं, तो ये जो ऊपर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, इस ट्राइंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में हम कह रहे हैं कि हमारा जो फिलेट वेल्ड होता है, फिलेट वेल्ड के अपने एंगल्स मुझे पता होते हैं। तो जो नॉर्मल फिलेट वेल्ड होता है, उसके अंदर आपके पास एंगल जो होते हैं वो 45-45 होते हैं, इफ इट इज आइडियल, ठीक है। तो उस केस में एक जो मेरे पास ऊपर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल हेयर, सॉरी दिस ट्राइंगल हेयर, सही। If I'm talking about this triangle, then मुझे एक साइड का एंगल तो पता है 45, थीटा मैंने खुद अपनी मर्जी से कट किया हुआ है, ठीक है। तो what I can do is I can find out what this angle is going to be, तो 180 minus 45 minus theta हो जाएगा, सही। Then what I can do is I can relate my length t to my length h using the sine law। तो मैंने कहा है कि t divided by sine of the opposite angle which is 45, so t divided by sine 45 is equal to h divided by the opposite angle which is phi, or phi हम कह रहे हैं is 180 minus 45 minus theta, जो कि यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो h divided by sine of the opposite angle becomes this, right? तो हम h से t को relate करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे relate कर लिया, ठीक है ना। We want to find out t in terms of h, that's the ultimate goal. तो अब 180 minus 45 को मैंने 135 बना लिया, and this becomes sine alpha minus beta. Sine alpha minus beta is sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta. You can open this up and you are going to find out this formula. जो 1 upon ये root 2 जो ऊपर गया है, ये root 2 essentially यहाँ पे multiply हो रहा है. तो sine 45 और cos 45, ठीक है? तो this is साइन 135 एंड कॉस 135, उससे हमने करके निकाला भाई। तो आप साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से इसको ओपन कर लें एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस रिलेशनशिप। अगेन आप लोगों ने अप्लाई करना है तो रिलेशनशिप ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट रिलेशनशिप, सही। दूसरी तरफ साइन 45 था, साइन 45 को अगर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, इफ आई रिमूव दिस साइन 45, साइन 45 इधर आएगा, इट विल बिकम 1 बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वी फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एच व्हिच इज गिवन हियर, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी किसी भी साइज का, अगर आपके पास फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड का साइज हम डिफाइन करते हैं एच से, उसकी एच की लेंथ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होता है, उसका जो भी एज लेंथ होती है, दैट इज द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। तो उसका अगर थ्रोट निकालना है मुझे 45 डिग्री पे, अगर फिलेट वेल्ड है उसको मुझे थ्रोट निकालना है, तो दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप हियर, ठीक। टी पता चल गया, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिवाइड माय फोर्सेस विद टी मल्टीप्लाइड बाय एल व्हिच इज माय एरिया, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट। तो
ए इज टी मल्टीप्लाइड बाई एल, टी का फॉर्मूला डायरेक्टली इधर प्लग इन किया हुआ है, ठीक है, तो एफ साइन थीटा इज एफ एस एंड एच डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज टी, एच डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो वो हमने टी की वैल्यू इधर प्लग इन कर दी, तो एफ एस इज गिविंग मी द शेयर स्ट्रेस एंड एफ एन इज गिविंग मी द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, सही। अब अगर मुझे इस वेल्ड की, अगर हमने पहले पिछले बोर्ड्स में बात की थी, अगर मल्टीपल स्ट्रेसेस किसी भी चीज के अंदर होते हैं एंड वी वांट टू सी वेदर इसकी जो स्ट्रेस स्टेट है वो सेफ है कि नहीं है, तो वी नीड टू कंपेयर इट विद सम सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेस, और हमने दो इक्विवेलेंट स्ट्रेस देखे थे, एक इक्विवेलेंट स्ट्रेस हमने देखा था वॉन मिसेस स्ट्रेस, ठीक है, अच्छा एल इसमें हमारे पास लेंथ है, एक हमने देखा था वॉन मिसेस स्ट्रेस जो कि मल्टीपल स्ट्रेस के कॉम्पोनेंट्स को कंबाइन कर सकता है इंटू अ सिंगल स्ट्रेस वैल्यू, और दूसरा हमने देखा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो वॉन मिसेस स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है यहाँ पे और आपके पास सिर्फ एक शियर है और एक आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है, तो एक सिंगल नॉर्मल स्ट्रेस हमें बच जाएगा, एक सिंगल शियर स्ट्रेस आपके पास बच जाएगा। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम उस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि आपके पास एक्स और वाई यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो जो शियर की प्लेन बन रही है इट इज, लेट मी ड्रॉ द शियर प्लेन, जो आपके पास शियर की प्लेन बन रही है इट इज दिस प्लेन, शेयर आपका इस प्लेन में हो रहा है, ठीक है, दिस इज द शेयर प्लेन, सही, तो इसका नॉर्मल जो है वाई है, सही, और इसमें फोर्स की डायरेक्शन जो है वो एक्स है, ठीक है, फोर्स आपके पास एफ एस जो है एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, नॉर्मल वाई है, तो द शेयर स्ट्रेस दैट वी आर डीलिंग विद इज टाउ एक्स वाई, ठीक है ना। अच्छा, आप वी कैन प्लग एवरीथिंग इन, आपके पास सिर्फ दो स्ट्रेस कॉम्पोनेंट है सिग्मा और एक सिंपल टॉ, आपने सिग्मा और टॉ की वैल्यूज डाल दी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नजर आ रहा है, एसेंशियली कुछ भी नहीं है, आप इसको आराम से करना चाह रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट सिग्मा एंड टॉ डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशंस अबव, ठीक है, और उसके बाद उसको प्लग इन कर सकते हैं, तो उससे वॉन मिसेस स्ट्रेस निकल के आ जाएगा, बट उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा क्या, वॉट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट कि हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस प्लेन में होता है। तो अगर मैं इस चीज को का मैक्सिमा, इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना चाह रहा हूं, तो मैं इसका डी सिग्मा बाय डी थीटा करके अगर इसका मैक्सिमा निकालूंगा ना, व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट द मैक्सिमम स्ट्रेस अकर्स एट थीटा इक्वल्स टू 62.5। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन शो नहीं की हुई, बट जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे वॉन मिसेस स्ट्रेस को प्लॉट जरूर कर दिया है। तो मैंने ये किया कि इस फॉर्मूला के अंदर मैं एफ अपॉन एच एल दूसरी तरफ ले गया, तो सिग्मा डिवाइड बाय एफ अपॉन एच एल को मैंने प्लॉट कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो व्हाट यू कैन सी इज दैट द स्ट्रेसेस आर इंक्रीजिंग एंड आफ्टर अ पॉइंट दिस डिक्रीजेस, तो ये जो पीक आ रही है द पीक इज अकरिंग एट 62.5 डिग्रीज, ठीक हो गया। मुझे शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम निकालना है, तो मेरे पास शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला गिवन है, तो मैं सेम काम शियर स्ट्रेस के साथ भी कर सकता हूं। मैं अगर इस टॉ की इक्वेशन को डी टॉ बाई डी थीटा करके मैक्सिमम इसका निकाल लूं कि किस थीटा पे मैक्सिमम आ रहा है, That maximum is occurring at 67.5 degrees. ठीक है, थोड़ा से different angle के ऊपर आ रहा है, तो tau max का formula भी आ गया और sigma का formula भी आ गया, सही। अब अगर मुझे अपनी failure theories apply करनी है system पे, I can use this relationship और मैं उसको compare कर सकता हूँ with our strength, जो भी आपके पास material की strength है उसके साथ, ठीक। There is a problem with this. हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल एज्यूम किया, हमारे पास वेल्डिंग की ज्योमेट्री हमने सिंप्लीफाइड कर दी, हमने एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर एज्यूम करके एक सिग्मा और टॉ निकाल लिया और हमने कहा कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर द सिस्टम इज फेलिंग और नॉट। लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए हुए, तो इसमें मैं एक फिगर पे फोकस करना चाहूँ जो राइट वाली फिगर है, जो हमारे पास थ्रोट बन रहा है ना, हमारे पास थ्रोट बन रहा है जो भी हमारे ट्राइंगल है उसकी ये वाली साइड, दिस अगर मैं इसको इससे रेफर करूं, दिस साइड इज बी डी, बी डी के क्रॉस, एक मिनट बस चाहिए बेटा, बी डी के ऊपर स्ट्रेसेस, हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेसेस जो होंगे ना प्लेन के ऊपर वो कांस्टेंट होंगे, एक्सपेरिमेंट्स ये शो कर रहे हैं कि स्ट्रेसेस कांस्टेंट, स्ट्रेसेस सेम नहीं होते, स्ट्रेसेस चेंज हो रहे होते, ठीक है। आप पूछे बेटा शाइक क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था सर, ये एंगल 90 नहीं होगा for maximum, मतलब कि थ्रोट की वैल्यू मिनिमम अगर आए,
कि ये एंगल 90 नहीं होगा एसी लाइन पे, ये एंगल की बात है, थीटा हमने ऐसे डिफाइन किया है ना बेटा, थीटा देखें क्या है सर। नहीं नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, कौन से एंगल आ जाते हैं सर, ये जो 90 डिग्री बना जो परपेंडिकुलर लाइन और जो एसी लाइन के बीच में जो बना रहे एंगल सर, अब तीन एंगल है आप इसके सामने वाला सर, ये एसी लाइन हो गई जी हाँ, और इसका परपेंडिकुलर लाइन जो थ्रोट की लाइन बनी हां ये 90 है बिल्कुल जी हां, तो वो भी 90 होगा ना सर, ये भी 90 होगा सर, मैं पेन से मार्क करके बता दूं आपको, हां बिल्कुल मार्क करके बताओ बेटा मुझे सर, ये 90 नहीं होगा, ये भी 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा, जब ये 90 होगा तो आपने वो बोला थ्रोट का वो जो एंड होता है वो 45 होता है, तो सर थीटा 45 नहीं हो जाएगा राइट। अब देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आई गॉट योर पॉइंट, देखो हम इस एग्जैक्ट चीज पे अगली स्लाइड में आ रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने 0.707 कर दिया है विच इज साइन 45 या कॉस 45 जो आप बात कर रहे थे ना, आई एम कमिंग टू एग्जैक्ट दैट सेम पॉइंट। अभी हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने रिलेशनशिप से जो भी मैंने पास सिग्मा और टॉ की रिलेशनशिप निकाली है ना बेटा, उससे अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालना चाहूं, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आपका थ्रोट बन रहा है ना, थ्रोट हम एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो 45 पे डिफाइन करते हैं, द वे वी डिफाइन द थ्रोट इज नॉट एट थीटा इक्वल्स टू 62.5 या फिर 67.5, वी डिफाइन द थ्रोट एज एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, बट हमें हमारे फॉर्मूले ये बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम वॉन मैसेज स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रहा है दैट इज नॉट कमिंग अप एट 45 डिग्रीज, वो इन दोनों एंगल के ऊपर आ रहा है सही। तो अभी हम यहाँ पे आके ना लेट स्टॉप हियर बिकॉज हमें क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, बल्कि एक मिनट के लिए अगर वापस आ जाओ ना तो लेट मी जस्ट आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है, इस सेशन का टाइम खत्म हो, जस्ट कम बैक फॉर लाइक 1-2 मिनट्स, लेट मी आंसर योर क्वेरी एंड देन वी कैन स्टॉप, ठीक है, तो मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन बैक। अच्छा इसमें इस वाली स्लाइड में जो बात हो रही है ना, वो ये बात हो रही है कि अगर मैं किसी भी प्लेन के ऊपर अपने स्ट्रेसेस देखूंगा ना, अभी हमने जो स्ट्रेसेस निकाले ना, हमने एक एंगल के ऊपर एक स्ट्रेस की वैल्यू निकाल दी, हम ये नहीं बोल रहे कि इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा, इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा, इसके अक्रॉस स्ट्रेस की क्या वेरिएशन आ रही होगी, हम ये बोल रहे हैं कि बस एक प्लेन है उसमें शेयर स्ट्रेस की एक एवरेज वैल्यू निकाल दी और नॉर्मल स्ट्रेस की एक एवरेज वैल्यू निकाल दी, एक्सपेरिमेंट शो कि दैट इज नॉट ट्रू। तो अगर आपने यहाँ पे दो डायग्राम शो ने, एक लेफ्ट वाली डायग्राम जो शो ने वो ए बी और बी सी के क्रॉस स्ट्रेसेस प्लॉट कर रहे, ठीक है, दिस इज नॉट क्रूशियल फॉर अस, हमारे क्रूशियल जो है वो ये डायगनल के अक्रॉस है, तो 45 डिग्रीज के ऊपर, ठीक है शायद 45 डिग्रीज के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस निकाला विच इज बी डी एंड दे हैव प्लॉटेड इट हियर सही। तो जो भी आपके पास 45 डिग्री के ऊपर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उन स्ट्रेसेस को दे हैव प्लॉटेड इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा वन सिग्मा टू एंड द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये 45 डिग्रीज के ऊपर उन्होंने निकाले हैं सही। वी अगेन फाइंड कि आपके पास जो स्ट्रेसेस है वो एक प्लेन के ऊपर थ्रू आउट द लाइन यूनिफॉर्म नहीं है, वो हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज है, और जैसे जैसे आप एच की तरफ एच बी की तरफ मूव कर रहे हैं ये स्ट्रेसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इधर भी शो हो रही है, देखो जैसे जैसे मैं बी की तरफ आ रहा हूँ मेरे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ए के ऊपर भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। तो हमें ये पता चल रहा है जो हमने पीछे मॉडल बनाया दिस मॉडल इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड, हम इधर एवरेज स्ट्रेसेस ले रहे थे और एक्चुअल स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी लार्जर बिकॉज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो वॉट वी will actually use is we are going to use a relationship जिसमें हम ये बोलेंगे कि हम अपने throat के ऊपर ही बात करते हैं, तो let's talk about our throat, जो throat 45 degrees वाला होता है ना उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो this is 45 degrees, इसके ऊपर हम कहेंगे कि सारे का सारा load is being borne by the shear forces, हम अभी normal forces को neglect कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि पहले हम बोल रहे थे हमारा force है, इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं Fn और Fs, और Fs शियर प्रोड्यूस कर रहा था, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपकी फोर्स F है दैट एंटायर फोर्स F इज कॉजिंग अ शियर एट 45 डिग्रीज, अब ये एक अजम्पशन वाला मॉडल है बट वी विल प्रूव कि ये एक्चुअली कंजर्वेटिव मॉडल है बिकॉज ये स्ट्रेसेस की ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं F के साथ
अपना शियर स्ट्रेस निकालने की कोशिश करूं ना, तो मेरे पास एक्चुअली टी कितना आ रहा है, दिस इज एच, दिस इज 45 डिग्रीज, तो मेरे पास टी इज इक्वल टू एच कॉस 45, ठीक है, तो एच कॉस 45 दिस इज योर टी, तो दिस एंटायर थिंग इज योर एरिया इक्वल्स टू टी टाइम्स एल, तो मेरे पास जो भी शियर स्ट्रेस निकला दैट बिकम्स एफ डिवाइडेड बाय 0.707 एच एल, एंड पीछे हमारे पास शियर स्ट्रेस निकला था 1.207 एफ अपॉन एच एल, और अब हमारे पास शियर स्ट्रेस निकला है, अगर मैं इस चीज को 0.707 को ऊपर ले जाऊं तो दिस बिकम्स 1.414, एंड 1.414 कंपेयर टू द प्रीवियस 1.207 इज अ लार्जर वैल्यू, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम एक्चुअली ज्यादा कंजर्वेटिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो हमने जो स्ट्रेस निकाला तो वी आर कंसिडरिंग दिस एज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और इसकी फॉर्म में हम अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास का टाइम खत्म हो गया, प्रॉब्ली आपकी अगली क्लास भी होगी, मेरी भी अगली क्लास है, मैं इस चीज को ना रिपीट करूंगा, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है बेटा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे या किसी चीज पे पूछ लो, बिकॉज मेरी दूसरी क्लास का टाइम भी शुरू हो गया, वरना मैं इस चीज को ना अगली क्लास में इसी स्लाइड से रिपीट करके शुरू करूंगा, तो वहां पे हम कवर अप कर लेंगे अगर इस स्लाइड में अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो, ठीक है। तो लेट मी एंड दिस कॉल हियर ताकि मैं अपनी अगली क्लास भी ले सकूं, ठीक है, थैंक यू, सलाम अलैकुम।